हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज है शनिवार 17 अप्रैल और अभी बजी है सुबह की 8। थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन है और हस्बैंड भी घर पे हैं, बच्चे तो फिर घर पे ही हैं काफ़ी टाइम से, इसलिए थोड़ा सा लेट ही उठी थी। अभी घर में सभी सो रहे हैं तो सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई है ताकि एक बार मैं चाय पी लूँ तसल्ली से, और उसके बाद सबको उठाती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, इसको आप स्किप बिल्कुल ना करें। बहुत ही अच्छी रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो सभी लोग बनाते ही होंगे लेकिन सभी के बनाने का अपना अपना एक तरीका होता है, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और बस चाय मेरी हो गई है, अभी मैंने पौधों को पानी दिया है। तो इस लॉकडाउन में वो मज़े नहीं है जो लास्ट लॉकडाउन में थे, क्योंकि लास्ट जो लॉकडाउन था वो पहला एक्सपीरियंस था हम सभी का, तो बहुत सी नई नई डिश जो है वो हमने बनाई थी, ट्राई करी थी। लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। और ये जो सब्जियां हैं वो रात को लेकर आई थी मैं, शाम को मतलब कल शाम को लाई थी, जिसको मैंने धो के और रात भर रख दिया था। अभी अच्छे से सूख गई है, इन सबको मैं मैनेज कर दूंगी। अभी सब्जियां फ्रूट्स जो है वो काफ़ी महंगे हैं, और ये मैं कच्चा आम लेकर आई हूँ जिसका मैं इंस्टेंट जो अचार है वो बनाऊंगी, इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज तो नहीं कर पाऊंगी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और बच्चे और जेंट्स साहब सब उठने वाले हैं, तो जेंट्स साहब तो चाय पियेंगे क्योंकि सुबह में, और दोनों जने हम लोग एक बार मॉर्निंग में चाय पीते हैं और उसके बाद में ही सारी चीज़ें जो भी हमें ब्रेकफास्ट है या कुछ दूसरा चीज़ खानी पीनी है तो वो बाद में लेते हैं। बच्चों के लिए ये मैं ठंडाई बना रही हूँ, ये ठंडाई का जो पाउडर है वो मैंने ही बनाया है, बहुत ही अच्छा जो है ये बना है, टेस्ट में काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, ठंडाई के लिए जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट काम में आते हैं वो सब मैंने इसके अंदर डाले हैं, ताकि एक गिलास यदि बच्चे और हम लोग पी लेते हैं तो एक एक बार यदि हम ब्रेकफास्ट स्किप भी कर लें तो भी चल जाता है। तो बहुत ही टेस्टी और यमी ठंडाई जो है वो बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं, दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इसके अलावा बच्चे जो है वो तो सब्ज़ा जो है वो नहीं खाते हैं, चिया सीड जिसे कहते हैं, तो लेकिन जब मैं और मेरे हस्बैंड जब हम पीते हैं तो उसके अंदर सब्ज़ा जो है थोड़ा सा वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। सभी को पता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है सब्ज़ा बॉडी के लिए, तो आप भी यदि पीते हैं, नहीं पीते हैं तो आप भी उसको पिए, उसका यूज़ करें, क्योंकि चिया सीड जो है उसको सुपर फूड भी कहते हैं। और ये जो पाउडर है, इतना सारा पाउडर जो है वो मैंने बनाकर, ठंडाई का मसाला कह सकते हैं आप इसको, ये मैंने बनाकर जो है वो रख दिया है ताकि रोज़ रात को भिगोना और ये झंझट जो है वो नहीं करनी पड़ती है मुझे। तो बच्चों को, जेंट्स आपका सबका चाय और जो ठंडाई वगैरह पीना ये सब हो गया है, तो आज मैं आपके साथ में खस्ता कचौरी और खजूर की चटनी कैसे बनाई जाती है उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। और उसके साथ में मैं आपको बहुत से ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आपकी कचौरी यदि फुली फुली नहीं बनती है, खस्ता नहीं बनती है, या खजूर की चटनी जो है वो मार्केट स्टाइल में कैसे बनाई जाती है, ये सब मैं आपके साथ में पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, यदि आप बीच में स्किप करके देखेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि हमारी जो कचौरी है या चटनी है वो उतनी टेस्टी नहीं बनी है। तो इसके लिए मैंने 10 से 12 खजूर ले लिए, ये बीज वाले खजूर हैं, और इसको मैंने अच्छे से 2 पानी से वॉश किया है, क्योंकि बाहर वैसे तभी कोरोना है, और यदि नहीं भी है तब भी बाहर से कोई भी चीज़ मैं लेके आती हूँ तो उसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना गंदा और काला पानी जो है वो निकल रहा है। तो बस इस तरह से 2 पानी से धो के और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो खजूर को धोने के बाद में उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, और तब तक थोड़ी सी मैंने इमली ली है जिसका भी यूज़ मैं चटनी के अंदर करूँगी। तो कम से कम 15 से 20 मैंने पिंक खजूर जो है वो लिए थे, और जिसको हम डेट्स भी कहते हैं, और ये मैंने लिए है इमली जिसको टैमरिन बोलते हैं, और इसको भी मैंने अच्छे से 2 पानी से वॉश किया, और उसके बाद में इसको भी बॉईल करने के लिए रख देंगे। और जब तक वो बॉईल होते हैं तब तक कचौरी के लिए जो आटा तैयार करना है वो करेंगे। तो मैंने आधा किलो जितना मैंने मैदा लिया है जिसको रिफाइंड फ्लोर भी कहते हैं, और यदि आपके पास में जो मेजरिंग मशीन होती है वो यदि आपके पास में है तो आप उसमें मेज़र करके भी ले सकते हैं, नहीं तो आप जब शॉप से परचेज़ करके लाते हैं तो आप आधा किलो की जो पाउच आती है मैदे की आप वो भी ले सकते हैं। और फिर भी यदि आपको कन्फ्यूज़न है तो 3 कटोरी भरकर आप मैदा जो है वो ले लें। तो इमली जो है वो बॉईल हो गई है, इसको बहुत ही ज़्यादा हमको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार पानी गर्म हो जाता है तो उसके बाद में हम बंद कर देंगे। लेकिन खजूर थोड़े से हार्ड होते हैं, उनको सॉफ्ट करने के लिए उसको बॉईल होने के बाद में 2 से 3 मिनट
उसको हम अच्छे से पकने देंगे। अब इसके अंदर जो मैदा है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा अजवाइन, जिसको कैरम सीड्स भी कहते हैं, वो मैंने डाला है। इसका मैदे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब कचौरी को खस्ता बनाने के लिए जो मेन चीज़ होती है वो होती है मोयन। मोयन परफेक्टली डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये कम हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम है। तो आधा किलो मैदे के अंदर मैंने जो ये सब्जी का गोल वाला चम्मच होता है वो मैंने 4 चम्मच, यदि आपको बहुत ही ज़्यादा खस्ता पसंद है तो आप 4 चम्मच डालिए, और यदि आपको जैसे मार्केट में हल्की सी क्रिस्पी बाहर मिलती है ना कचौरी, वैसी चाहिए तो आप 3 चम्मच डाल सकते हैं। तो ये जो है कचौरी का परफेक्ट मेजरमेंट है। मैंने कई बार कचौरी बनाई और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। और बस अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, और सेमी सॉफ्ट जो आटा है वो लगाएंगे। सेमी सॉफ्ट यानी कि जैसा हम पूरी के लिए लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा हमको लगाकर तैयार करना है, क्योंकि एक बार मैदा जो है वो लगा आटा गूंथने के बाद में हम उसको 15 से 20 मिनट रेस्ट करने देंगे, तब तक ये थोड़ा सा लूज हो जाता है। और यदि आप पहले ही लूज आटा लगाते हैं या ज़्यादा पानी एक साथ डाल देंगे तो फिर मैदा बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, और इससे कचौरी बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि कोई भी रेसिपी हम पहली बार ट्राई करते हैं वो अच्छी नहीं बनती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको दोबारा ना बनाएं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे होता था। पहले जब मैं कचौरी बनाती थी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन पाती थी, वो फूलती नहीं थी बिल्कुल, और बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनती थी, तो मैं मतलब छोड़ देती थी, लेट गो कर देती थी। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। यदि आपसे कोई चीज़ नहीं बनती है तो उसको आप बार बार बनाएं, और धीरे धीरे आप बनाते बनाते एकदम परफेक्ट जो है वो बनाने लग जाएंगे। तो उसी तरीके से मैंने भी पहले कचौरी बनाना छोड़ दिया था, लेकिन फिर से जब मैंने लास्ट लॉकडाउन लगा तब मैंने 2 से 3 बार ट्राई करी, तो बस एक बार मेरी बिगड़ी और उसके बाद में कचौरी जो है एकदम परफेक्ट बनने लग गई। तो बस कचौरी का आटा जो है वो लग गया हो गया है, और उसके बाद में मैंने उसको ढककर रख दिया है, और खजूर जो है वो भी अच्छे से गल गए हैं। और जब तक वो ठंडे होंगे तब तक हम जो मूंग की दाल है जिनके छिलके नहीं होते हैं, येलो वाली दाल जिसको मोगर दाल भी कहते हैं, वो मैंने एक कटोरी ली है, और उसको 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि उसके ऊपर जो भी डस्ट है या कोई पॉलिश वगैरह होता है तो वो निकल जाएगा। और उसके बाद में इसको आधा घंटा भिगोने के लिए छोड़ देंगे। मम्मा ये देखो मेरे बाल कितने अच्छे हो रहे हैं, पिस्ता तो लगा दो। बता पीछे बता। ठीक है हमारी डस्टिंग अभी होने वाली है थोड़ी देर, अभी मैं कपड़े निकाल रहा हूँ, मैं हमारे रूम के भी डस्टिंग करने जाऊंगा। जल्दी करो जल्दी करो। परी क्या कर रही बेटा? आज सैटरडे है और दोनों बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, तो सैटरडे और संडे, वैसे तो अभी लॉकडाउन है 1 साल से, तब से उनकी रोज की रूटीन है कि मॉर्निंग में ब्रश और ब्रेकफास्ट करने के बाद में उनके रूम की जो डस्टिंग होती है, इवन पूरे घर की जो डस्टिंग है वो दोनों बच्चे मिलकर ही करते हैं। दोनों ने अपने हिसाब से ही काम जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक जना कपड़े जो है वो लेता है तो दूसरा जना फोल्ड कर देता है, एक जना बिस्तर फोल्ड करता है तो दूसरा उसको मैनेज कर देता है। तो इस तरह से दोनों ने अपने अंडरस्टैंडिंग से जो काम है उनको बांट लिया है, ताकि लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। और बहुत ही ज़रूरी है इस एज में बच्चों को काम सिखाना। यदि हम अभी बच्चों को नहीं काम कराना सिखाते हैं तो जो बच्चे बड़े होते हैं और हम एकदम से उनको काम जब बोलते हैं ना, तो उनको बहुत ही लेजीनेस फील होता है। इवन जब हम भी जब छोटे थे तब हम भी अपनी मम्मी के साथ में काम में हेल्प कराते ही थे, तो हमें अपने बच्चों को काम कराने में कौन सी शर्म। तो बस बेडरूम जो है वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था मॉर्निंग में ही, और अब मैं फिर से आई हूँ किचन में, और ये जो खजूर है वो अच्छे से ठंडे हो गए हैं, लेकिन थोड़े से मुझे गर्म लग रहे थे तो मैंने इसमें थोड़े से आइस डाल दिए ताकि वो जल्दी से ठंडे हो जाए। और अब इन सभी खजूर के बीज जो है वो निकाल देंगे। बीज निकालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक आध बीज यदि अंदर रह जाएंगे तो जब आप इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे ना, तो उसमें वो खराब भी हो सकती है, टूट भी सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि सारे बीज अच्छे से निकल जाएं। तो सभी खजूर के मैंने बीज अच्छे से निकाल दिए हैं, और उसके बाद में अब जो हमने इमली बॉईल करी थी वो भी ठंडी हो गई है, उसमें भी हम चेक कर लेंगे कि जो बीज है वो उसके अंदर ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि फिर ये बीज जो है जब थोड़े भी अंदर ग्राइंड छान लेने के बाद में भी उसके कुछ छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेनर में नीचे निकल जाते हैं, जो चटनी के साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस उसको अच्छे से मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं कोई बीज अंदर रह तो नहीं गया है। और उसके बाद में इमली और खजूर, उनको हम थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हाँ
तो मैंने खजूर और इमली को एकदम अच्छे से बारीक पीस लिया है और अब इसको हम छानेंगे। और उसके लिए मैंने एक स्ट्रेनर लिया है इस तरीके का। यदि आपके पास में नहीं है तो आप आटे की छन्नी या कुछ दूसरा कोई स्ट्रेनर यदि आपके पास में है तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये थोड़ा सा थिक पेस्ट है, इतना इजीली नीचे नहीं निकल रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो मिलाया है ताकि इजीली वो जो है वो स्ट्रेनर में नीचे निकल जाए। तो इतना सारा कचरा जो है वो इसके अंदर, या कह सकते हैं कि इमली के और खजूर के जो साइड के जो लाइंस होती है कड़क, वो जो है वो ऊपर निकल जाती है। और यदि हम नहीं छानते तो ये सब जो है वो मुँह में आती है, तो बिल्कुल भी चटनी अच्छी नहीं लगती है। और हमको जैसे मार्केट स्टाइल में जो हम खाते हैं ना, उस तरीके यदि हमको बनानी है ना, तो ये स्टेप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारी जो रेसिपीज़ है वो काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होती है। तो इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अब जो चटनी है उसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, और जो इमली वाली जो भगोना था उसी के अंदर ही मैंने थोड़ा सा गुड़ जो है वो मैश करके ले लिया है, और थोड़ा सा पानी डालकर उसको हम गर्म कर लेंगे। तो एक बार अच्छे से बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद में इसके अंदर कुछ हम मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक मिलाया है, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला मिलाएंगे, थोड़ा सा जो हम सूंठ पाउडर होता है वो डालेंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्ची मैंने इसमें डाली है। सूंठ पाउडर यदि आपके पास में नहीं है तो आप जो चाय का मसाला होता है ना मार्केट वाला, थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं। इससे चटनी का बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। तो बस जो गुड़ है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो उसके बाद में इसको हम चटनी के अंदर ऐड कर लेंगे। तो हमारी खजूर की बहुत ही टेस्टी जो चटनी है वो बनकर तैयार है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनी है। बस इसका थोड़ा सा डार्क कलर यदि आपको पसंद है जैसा कि मार्केट में मिलता है, तो आप इस चटनी को एक बॉईल आने तक गर्म कर दीजिए तो उसका बिल्कुल वैसा ही कलर आ जाएगा। और मार्केट में इस तरह से जो खरबूजे के बीज होते हैं वो मिलते हैं, आप थोड़े से वो इसके अंदर डाल दें, मगज के बीज भी इसको बोलते हैं। तो इससे बिल्कुल जैसे मार्केट में चटनी मिलती है ना, उसमें भी वो ये चीज़ें डाल के रखी होती है, तो हम उसको डाल देंगे। अब कचौरी के लिए मसाला तैयार करेंगे, और उसके लिए एक पाउडर हम तैयार करेंगे मसाले का। तो उसके लिए मैंने कम से कम 10 से 15 काली मिर्ची, 7 से 8 लौंग लिया है, थोड़ा सा अजवाइन लिया है, और एक बड़ा चम्मच भर के मैंने सौंफ लिया है, एक बड़ा चम्मच मैंने धनिया, जो पूरा धनिया होता है आखा धनिया वो, और 2 सिनेमन स्टिक जिसको दालचीनी भी कहते हैं वो ली है। और अब इन सभी को हम अच्छे से कम गैस की आँच कम रखते हुए रोस्ट करेंगे, और इसको हमको कम आँच पर तब तक रोस्ट करना है तब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो ये जो पाउडर है, ये जो मसाला इसको हम कह सकते हैं, ये मसाला बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे कचौरी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कचौरी बिल्कुल वैसी लगती है जैसे कि हम बाहर मार्केट में खाते हैं, क्योंकि जो मार्केट में कचौरी बनती है ना उनका भी अपना एक सीक्रेट मसाला होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये भी अपना जो है वो अपना सीक्रेट मसाला है, और जिससे कचौरी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मसाला अच्छे से भून गया है, इसका कलर जो है वो भी चेंज हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला कचौरी के लिए मसाला जो है वो बनकर तैयार है, और हम कचौरी के लिए तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, और जिसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। बहुत ही ज़्यादा ऑयल जो है वो तड़के में डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, और मूंग की दाल की जो कचौरी है उसमें लहसुन और प्याज ये डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी ये कचौरी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने 2 छोटे चम्मच हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो भी मैंने इसमें डाला है, और यदि आपको लहसुन खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा लहसुन इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बिना लहसुन के भी ये चटनी अच्छे से बनती है। तो बस हरी मिर्च का पेस्ट जो है वो डालने के बाद मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला, और उसके बाद में जो दाल हमने भिगोई थी आधा घंटा वो दाल भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, और उस दाल के अंदर जो पानी बचा हुआ था वो पानी भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया है। और इसके अंदर थोड़ा सा नमक जो है वो ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि थोड़ा सा मैंने जो मसाला हमने तैयार किया था उसमें भी गरम मसाले हमने डाले हैं, और इसके अलावा हरी मिर्च भी डाली है, तो आप अपने हिसाब से ही डालिए। और उसके बाद में हमने जो पाउडर तैयार किया था, मसाला तैयार किया था कचौरी के लिए, वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो बस हम इसको 5 से 6 मिनट इसको पकाएंगे, और हाँ थोड़ी सी सौंफ हम ऊपर से और डाल देंगे, जिसको हम ये जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है कचौरी के अंदर,
और जब बॉईल आ जाएगा तो उसके बाद में हम गैस की आंच कम कर देंगे और उसके बाद में 5 से 6 मिनट तक इसको हम दाल को पकाएंगे। बहुत ही ओवर कुक हमको नहीं करनी है दाल को, क्योंकि जब हम मार्केट में भी खाते हैं ना, तब दाल का जो पूरा दाना उसके अंदर अच्छे से दिखता है, तो बस दाल जो है उसको हम एक बार हाथ से तोड़ के देखेंगे तो इजीली यदि टूट रही है तो इसका इंडिकेशन है कि दाल जो है वो अच्छे से पक गई है। और उसके बाद में हम इसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाल देंगे ताकि दाल में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, और जब हम जो स्टफिंग जो हम तैयार कर रहे हैं कचौरी के लिए वो एकदम बिखरी बिखरी ना रहे। नहीं तो फिर जब कचौरी हम बनाएंगे ना और बेलेंगे तब वो दाने जो है वो बाहर निकल जाएंगे और इससे हमारी कचौरी जो है उसको फटने का डर भी रहता है। तो बस कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, यदि उसको हम फॉलो करें तो कचौरी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। और एट लास्ट इसके अंदर हमने जो हरा धनिया है वो डाल दिया है और इससे कचौरी का टेस्ट जो है ना वो एकदम दुगुना हो जाता है। तो बस हमारी स्टफिंग जो है वो एकदम तैयार हो गई है और इसको हम अभी ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो बस स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है और मैदा भी हमारा सेट हो गया है, और हम रोटी का जैसा एक लोई बनाते हैं वैसा हम पेड़ा लेंगे और रोटी जो है वो बेलना तैयार करेंगे। तो बस एक पूड़ी की साइज़ जितनी हम रोटी जो है वो तैयार कर लेंगे और नींबू की साइज़ जितना जो पेड़ा है वो हम स्टफिंग का बनाएंगे। तो बिल्कुल नींबू के साइज़ जितना ही पेड़ा जो है वो मैंने लिया है, और आप ध्यान से देख लें कि किस तरह से मैंने स्टफिंग जो है वो कचौरी के अंदर फिल करी है। आप चाहें तो इसको उठाकर भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो जैसे आप पराठे के लिए आप स्टफिंग भरते हैं ना, आप उस तरीके से भी भरकर तैयार कर सकते हैं। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो आपको जो कॉर्नर्स है उनको बहुत ही अच्छे से पैक करना है, नहीं तो जब हम कचौरी को जब तलने के लिए डालेंगे डीप फ्राई करेंगे ना तो वो वहाँ फट सकती है या खुल सकती है। तो बस उस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें। और जब एक बार स्टफिंग हम फिल कर देंगे उसके बाद में जो जो इसका जो ओपन वाला पार्ट होता है या जिसको हमने अच्छे से सील किया है पैक किया है ना, उस भाग को हमको नीचे की ओर रखकर प्लेट के अंदर रखना है ताकि वो जो भाग है वो अच्छे से सेट हो जाए, मतलब अच्छे से सील हो जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं अपने हथेली के कॉर्नर्स पर रख कर उसको सेट कर रही हूँ, और थाली के अंदर भी मैंने रखा है ना, तो उसका जो सील वाला पार्ट है उसको नीचे की ओर रखा है ताकि वो अच्छे से पैक हो जाए। तो बस इस तरह से सारी कचौरी एक बार हम बनाकर तैयार कर लेंगे और उसके बाद में डीप फ्राई करेंगे। तो कचौरी मैंने सारी बना ली है और उसके बाद में डीप फ्राई करना स्टार्ट किया है। और एक टिप ये है कि जब आप कचौरी को डालते हैं ना तब आपका तेल एकदम ठंडा होना चाहिए, यानी कि जब आप कचौरी अंदर डालेंगे तब कचौरी एकदम से ऊपर नहीं आए, कम से कम उसको 1 मिनट ऊपर आने में लगना चाहिए और वो अपने आप ऊपर आती है। आपने देखा होगा जब मैंने कचौरी डाली उसके बाद में एक भी बार मैंने उसको चम्मच या करछी से नहीं करा था, वो एक बार जब ऊपर आई उसके बाद ही मैंने उसको हाथ लगाया है। तो यही कचौरी बनने का परफेक्ट कचौरी बनने का इंडिकेशन है कि जब आप कचौरी डालते हैं तो वो अपने आप ऊपर आती है, क्योंकि उसके अंदर एयर्स बनने लग जाती है जैसे कि हम पूरी वगैरह बनाते हैं ना उसी तरीके से। तो बस कम आंच पे इसको 5 से 6 मिनट जो है वो पकने में लगते हैं और एकदम खस्ता कचौरी वो हमारी बनकर तैयार होती है। तो सारी कचौरियाँ मैंने बनाकर तैयार कर ली है और एक कचौरी मैं आपको फोड़ कर बताती हूँ कि किस तरह की बनी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल खस्ता जैसे कि मार्केट में बनती है, इसकी एक एक लेयर जो है वो अलग हो रही है और अंदर भी स्टफिंग जो है वो भी मैंने एकदम कम भी नहीं भरी थी ना बहुत ही ज़्यादा है। तो बस बिल्कुल परफेक्ट कचौरी मेरी बनकर तैयार है, चटनी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो दोनों रेसिपी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी, एक बार आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, और चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि सभी कचौरी गर्मा गर्म है और हम सब अपनी फैमिली के साथ में कचौरी इंजॉय करेंगे। आप भी आ जाइए और खाइए और बताइए कि कचौरी कैसी बनी। तो ओके फ्रेंड्स।